और दोस्तों कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम एनिमलिया। आर्य चुटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, जिनमें हम 5 किंगडम को देख चुके हैं। ये आर्य चुटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का अंतिम किंगडम है, किंगडम एनिमलिया। यहाँ पे हम किंगडम एनिमलिया के बेसिक फीचर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी के जो इनके जो मेन फीचर्स होंगे या फिर जो कंप्लीट अध्ययन किया जाएगा वो आगे के लेक्चर में होगा। यहाँ पे हम सिर्फ फंडामेंटल देखेंगे कि एनिमलिया किंगडम में कौन कौन से जीव आते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो किंगडम एनिमलिया में सभी एनिमल्स को शामिल किया जाता है, यानी ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया। नाम से क्लियर है। इससे पहले हमने किंगडम प्लांटी पढ़ाया था, ये किंगडम एनिमलिया है जिसमें सभी एनिमल को शामिल किया जाता है। पोरीफेरा कौन कौन से जीव इसमें आते हैं, कौन कौन से फाइलम आते हैं? पोरीफेरा फाइलम आता है सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केहेलमिंथीस, इकाइनोडर्मेटा और सभी वर्टिब्रेट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। पोरीफेरा में कौन आते हैं? साइकन आता है। सिलेंड्रेटा में जेलीफिश आते हैं। प्लेटीहेलमिंथीस में फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, जैसे फैसियोला, टीनिया, सोलियम, ये आते हैं। एस्केहेलमिंथीस में निमेटोड्स आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्म्स में कौन आते हैं? स्टार फिश आते हैं। वर्टिब्रेटा में कौन आते हैं? जिनकी शरीर में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इनमें कौन कौन से होते हैं? इनमें जो ट्रिक है, अगर आप वर्टिब्रेट्स को याद करना चाहते हैं तो उसका ट्रिक है परम, 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 ठीक है। पी से हो गया पाइसेस, पाइसेस मतलब फिशेस, पाइसेस। दूसरा हो गया ए से एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब जो जल और थल दोनों जगह पे रहते हैं। आर मतलब रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब जो रेंगते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। ए मतलब एप्स, एप्स मतलब बर्ड। और यम का मतलब हो गया ममेलिया, यानी सारे मैमल्स। तो ये एक छोटे से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन शामिल होते हैं। परम, पी से पाइसेस यानी मछली, ए से एम्फीबियंस, आर से रेप्टाइल्स, ए से एप्स और यम से ममेलिया। इतना जितने फाइलम हैं इन सबको शामिल किया जाता है किंगडम एनिमलिया में। इन सारे फाइलम को एक एक करके आगे के लेक्चर में पूरे डिटेल से पढ़ा जाएगा। यहां पर सिर्फ बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमलिया के बारे में। अब एनिमलिया में कौन कौन से जीव शामिल किए जाते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? तो सभी एनिमलिया वाले जो जितने भी जीव होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया आर हेटरोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मतलब ये अपने भोजन के लिए पौधों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब इनकी शरीर जो होती है वो एक से अधिक सेल की बनी होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, आर्किया हो गए, ये सारे यूनिसेलुलर हैं। इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, लेकिन जितने एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी एक से अधिक सेल की बनी होती है, इसलिए ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक तो आप जान ही चुके होंगे, मतलब इनकी कोशिका जो होती है उसमें जो है एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। बीच में न्यूक्लियोलस पाया जाएगा और इसके जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। इसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये एनिमल है इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट में हमने कहा ना कि वहां पे क्या पाया जाता था, वहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था जिसमें क्लोरोफिल होता था और जिसकी मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता था, लेकिन ये एनिमल सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में पाया जाएगा, सभी यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
और फिर इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 80S प्रकार के यानी 80S प्रकार के होते हैं। गॉल्गी बॉडी मेल प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल में पाए जाते हैं, ये हो गया गॉल्गी बॉडी। तो ये हो गया, ये क्या है, ये डायग्राम है एनिमल सेल का। एनिमल सेल में एक और खास बात होती है कि इनमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। हमने प्लांट वाले में बताया था कि उनमें सेल वॉल पाई जाती है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई एक सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। इनकी जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल अब्सेंट है तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इसमें जो तरल भरा होगा उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गॉल्गी बॉडी हो गया, ये प्लांट्स और एनिमल्स सब में पाए जाते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। ये यूनिट है, यस यूनिट है, और ये बता रही है, इसकी डेंसिटी बताता है। एक बढ़िया सा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है सभी यूकैरियोटिक सेल में, और ये हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिंपल डायग्राम आपको सिर्फ बताने के लिए बना दिया गया है। ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल, जितने भी एनिमल होते हैं उनका जो सेल होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो ये एनिमल सेल का फिगर है। तो दिस इज ओनली टू इलस्ट्रेट दी एग्जांपल और किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया को सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। आगे जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में इन सबको देखा जाएगा। तो हमने यही कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक क्लियर, मल्टी सेलुलर क्लियर। हेटरोट्रॉपिक मतलब कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। भोजन के लिए जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे निर्भर करते हैं। सभी प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि ये भोजन प्रोड्यूस करते हैं। क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर होकर लाएंगे। प्रोड्यूसर को शाकाहारी जीव खाएंगे, यानी जो हर्बी ओर्स होंगे वो खाएंगे, हर्बी ओर्स खाएंगे, हर्बी ओर्स खाएंगे, और हर्बी ओर्स को क्या खाएंगे, मांसाहारी खाएंगे, यानी कार्निवोरस जो एनिमल होंगे उनको, इनको खा लेंगे हर्बी ओर्स को। तो कार्निवोरस हो गए, हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, और इन सबको खाने वाला है जो है उसका नाम है ओमनीवोरस। ह्यूमन क्या है, ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस। वो प्लांट्स एनिमल्स सबको खा लेते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट को जो खाते हैं उनको शाकाहारी या हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे हिरन, गाय, भैंस, ये क्या हो गए, हर्बीवोरस हो गए। हर्बीवोरस को जो खाते हैं उनको कार्निवोरस या मांसाहारी कहा जाता है, जैसे बाघ, शेर, ये सब क्या है, मांसाहारी हैं। और एक है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो होते हैं वो इन सबको खाने में माहिर होते हैं। वो प्लांट भी खा लेते हैं, हर्बीवोरस को भी खा लेंगे, कार्निवोरस को भी खा लेंगे। मैन जो है, मैन जो है वो क्या है, ओमनीवोरस है। कुछ मैन जो है शाकाहारी भी होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ मैन जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो प्लांट्स यानी जो ओमनीवोरस होते हैं या जो मैन होता है वो सबको खा लेता है। तो यहां पे यही हम बता रहे हैं कि सभी एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। भोजन के लिए सभी एनिमल्स प्लांट पर निर्भर करते हैं। ये हमने पहले बता दिया कि सेल वॉल जो होती है अब्सेंट होती है। सेल वॉल जो होती है, जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सभी एनिमल लगभग लोकोमोशन करने में सक्षम होते हैं। लोकोमोशन मतलब अपना लोकेशन चेंज करने में सक्षम है, मतलब यहां पे थे, कुछ समय बाद घूमते फिरते यहां चले आएंगे, फिर यहां पे चले जाएंगे, यानी दौड़ेंगे, धूपेंगे, ये सारा काम करेंगे। प्लांट्स क्या होते हैं, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो थोड़ी ना लोकोमोशन कर रहे हैं, जहां पे हैं वहीं पे पड़े रहेंगे। लेकिन जितने एनिमल्स हैं वो अपना
स्थान चेंज कर सकते हैं, उनमें पैर पाए जाएंगे तो पंख पाए जाएंगे। इस मदद से जो है लोकोमोशन जो ऑर्गन है लोकोमोटरी ऑर्गन है उसकी सहायता से वो अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि जितने एनिमल्स होते हैं ऑलमोस्ट उनमें कैपेबिलिटी पाई जाती है लोकोमोशन की। ठीक है, देन आता है न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सभी एनिमल्स का में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है सभी एनिमल्स में। ठीक है, तो होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक का मतलब ये होता है कि जितने एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं, यानी खाना खाएंगे। इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड। तो पहला काम करेंगे इंजेशन का, इंजेशन करेंगे, इंजेशन ऑफ फूड करेंगे, माउथ में खाना लेंगे। अब जो फूड उनके शरीर में जाएगा उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होगा उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा कि इससे शरीर को जो जरूरत होगी वो पूरा हो जाएगी, यानी जितनी ऊर्जा होगी वो शरीर में आत्मसात हो जाएगी। एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा यानी डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका इजेशन हो जाएगा, यानी वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरी कहलाती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है एनिमल क्या होते हैं कि पहले अपने भोजन को इनटेक करेंगे, शरीर में लेंगे, फिर उस भोजन का डाइजेशन होगा, डाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एसिमिलेशन होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे इजेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो रिजर्व फूड होते हैं एनिमल्स में वो होता है ग्लाइकोजन। हमने प्लांट वाले किंगडम में बताया था कि प्लांट में जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च होता है, लेकिन एनिमल के केस में जो स्टोरेज फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ये दोनों ही ग्लाइकोजन और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। जब शरीर में ज्यादा एनर्जी आ जाती है, मतलब शरीर में ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं वो अपने शरीर में कुछ ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं। मान लिया आपातकाल में कभी भूख नहीं, खाना नहीं मिल पा रहा है, तो इसी ग्लाइकोजन का इस्तेमाल एनिमल्स अपने को ऊर्जा देने के लिए करते हैं। मान लिया बहुत लंबे समय तक खाना नहीं मिला, खाना लगातार मिल रहा है, तो जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर खाना नहीं मिल रहा है तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में टूट जाएगा और शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इसमें आते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एनिमल्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन मेनली जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे जिसमें जो है मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट बनेगा और क्या बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा। मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होते हैं ये सब डिप्लॉयड होते हैं और गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है और जाइगोट में जो है डिप्लॉयड होते हैं, यानी टू सेट ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो ये जो जाइगोट हो गया इसमें फिर आगे ढेर सारा डिवीजन होगा, डिवीजन होगा जिससे फीटस का निर्माण होगा, यानी जो इम्ब्रियो होता है भ्रूण का निर्माण होगा, फिर आगे उससे जो है पूरा बेबी डेवलप होगा और फिर उसका जन्म होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम एनिमलिया। वी हैव डील अबाउट बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे बेसिक पढ़ लिया है किंगडम एनिमलिया के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। ये बहुत ही संक्षेप में है, बहुत ही संक्षेप में है और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अभी हम पूरा ये चैप्टर जो है एनिमलिया किंगडम आगे के लेक्चर में पूरा जो है डिटेल में पढ़ा जाएगा, क्योंकि इतने से काम तो होने वाला नहीं है। अभी तो सब पढ़ना है ना, पोलीफेरा पढ़ना है, सिलेंड्रेटा पढ़ना है,
प्लेटी हेलमंथी पढ़ना है, एसके हेलमंथी पढ़ना है, काइनोडर्म्स पढ़ना है, पूरे वर्टिब्रेट्स पढ़ने हैं। तो आगे के लेक्चर में एक एक को डील किया जाएगा। जिन्होंने अभी हाल ही में जो है ये हमारा कोर्स ज्वाइन किया है नीट बायो का, उनके लिए सजेशन फिर से वही मैं दोहरा रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहना है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। दूसरा काम करेंगे, आप हमारे वीडियो देखेंगे, यानी ये पूरा कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक आप फ्रेश नोट बनाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र अपनी भाषा में जो भी उन्हें आती हो उसके हिसाब से अपने खुद के नोट्स बनाएं। जितने भी डायग्राम बनाए रहे हैं वो रफ ही डायग्राम बनाएं, लेकिन बनाए जरूर, तो अपने नोट्स बनाएं। अब जब इतना काम हो जाएगा तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करना है। मेरा जो टारगेट है ना कि बायोलॉजी के सेक्शन में आप सभी को जो है 320 और 330 या फिर इससे अधिक मार्क आप सबको मिल सके। तो ये सब तभी पूरा होगा जब इस क्रम को पूरा फॉलो करेंगे और नीट बायो का जो कंप्लीट कोर्स है उसे आप कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है जो हमें लग रहा है कि एनसीईआरटी क्लास 11th की चैप्टर 3 शुरू होगा, क्योंकि चैप्टर 2 अब तो खत्म हो गया होगा, कि चैप्टर 3 जो है वो किंगडम प्लांटी से है। तो प्लांटी किंगडम को डिटेल में कल से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते रहिए ज्ञानालय। नमस्कार।